चीन हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्रिएट हो रहे हैं, तो नई नई सनतें लगेंगी, न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू लर्निंग टेक्निक्स को इंट्रोड्यूस कराया जाएगा पाकिस्तान में, हम अपने नौजवान को एक नई अपॉर्चुनिटीज तालीम के शोबे में दे सकें। ऐसी सनत लगाएं इस पाकिस्तान और चाइना की शराकत है जो को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो। ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है जो ये BRI का एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, ये अब एक दूसरे मरहले में दाखिल हो गया है और दूसरे मरहले में जो इसके ऊपर जो फोकस है वो है सनत के ऊपर, इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर, स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्रिएट हो रहे हैं जो रूट है उसके साथ साथ, तो नई नई सनतें लगेंगी, चाइना से जो कंपनीज हैं वो इनमें इन्वेस्ट करेंगी, तो उनमें जो वर्कर्स हैं, जो इंजीनियर्स हैं, उनके लिए जो पाकिस्तान से जो जॉब्स क्रिएट होगी, उनको की जो स्किल्ड जो वर्कर है उसकी एक बहुत तादाद में ज़रूरत होगी। तो आप मालूम ही है कि चाइना जो है वो सनत के हवाले से और तालीम के हवाले से और जो ये टेक्निकल वोकेशनल ट्रेनिंग के हवाले से वो दुनिया में बड़ा उसका नाम है, बड़े स्ट्रॉन्ग, बड़े मजबूत यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस हैं, तो हमने उनके साथ मिलके ये एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, ये एक अलायंस बनाया है जो कि पाकिस्तान में हमारे जो नौजवान तबका है उनकी स्किल्स को डेवलप करेगा, उनको नए जो टेक्नोलॉजी आ रही हैं उनके बारे में मालूमात देगा, ट्रेनिंग देगा, ताकि जो नई सनतें लगे वहाँ पर ये काम कर सके। ऑलरेडी ये जो कुछ इंस्टीट्यूशंस इस हवाले से काम कर रहे थे उन्होंने पाकिस्तान में जो हमारे फेडरेशन में जो नैपटेक इदारा है उसके साथ और जो सूबाई इदारे हैं टैपटेक वगैरह उनके साथ वाहिदे भी किए हैं और मुख्तलिफ हवाले से प्रोग्राम जो तालीम के प्रोग्राम हैं या तरबियत के ट्रेनिंग के वो शुरू कर दिए हैं, काफ़ी हज़ारों की तादाद में जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं, यूथ है, उनको एनरोल किया गया है, वो इन चीज़ों में ट्रेनिंग भी ले रहे हैं, साथ साथ चीनी ज़ुबान भी सीख रहे हैं। इसका एक फ़ायदा ये भी होगा कि जो चाइनीज़ जो इन्वेस्टमेंट्स या प्रोजेक्ट्स हैं जो दुनिया भर में हैं तो वहाँ पर भी लेबर की ज़रूरत होती है, तो जो हमारा जो यूथ है या हमारा जो वर्कर है जो स्किल्ड उसकी होगी तो वो ना सिर्फ हमारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकेगा बल्कि ये भी हो सकता है कि उसे अपॉर्चुनिटीज मिले दूसरी दुनिया में, दूसरे ममालिक में भी काम करने की, तो ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। बहुत तवक्कात हैं इस इनिशिएटिव से और ये जो हमारी कोऑपरेशन है चाइना के साथ, पाकिस्तान का आपको मालूम है कि एक जमाने में बड़ा स्ट्रॉन्ग हमारा ये एक पॉलीटेक्निक्स का सिस्टम होता था और अब हुकूमत ने स्पेशली नैपटेक में मेरी उनके डायरेक्टर जनरल से भी बात हुई थी, एक रिन्यूड फोकस है कि पाकिस्तान में जो हमारा यूथ है उनकी स्किल डेवलपमेंट की जाए और उसके हवाले से बहुत सारे कोऑपरेशन एग्रीमेंट्स हमारे चाइना के यूनिवर्सिटीज़ के साथ हुए हैं, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी MOU साइन हुए हैं मुख्तलिफ हवाले से और कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और ये भी जो अलायंस हमने ये इनिशिएटिव जो लॉन्च किया है इन्होंने भी काफ़ी वादे किए हैं, पार्टनरशिप्स किए हैं और एक बेस बन रही है जिसमें न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू लर्निंग टेक्निक्स को इंट्रोड्यूस कराया जाएगा पाकिस्तान में और ये कोई हम एक इन्होंने बड़ा अच्छा डॉक्यूमेंट बनाया है जिसमें कोई 210 डिफरेंट ट्रेड्स एंड स्किल्स को आइडेंटिफाई किया है जो कि ज़राअत के शोबे में है, जो पानी के हवाले से, जो कंजर्वेशन है उसके हवाले से है, फॉरेस्ट्री है, माइनिंग के हवाले से है, तालीम के शोबों में डिफरेंट डिफरेंट एरियाज के है, तो आप बहुत ही जो एक 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 माशी एक इकोनॉमी को एक सनत के हवाले से जो एक ज़रूरियात है हमारी उनको इंशाल्लाह ये जो हमारी कोशिश है ये एजुकेशन की फील्ड में, सनती तालीम की फील्ड में
उस हवाले से ये चीज़ें आगे चलेंगी और इंशाल्लाह हम अपने नौजवान को एक नई अपॉर्चुनिटीज़ तालीम के शोबे में दे सकेंगे। सब जानते हैं कि जो पाकिस्तान और चीन की दोस्ती है वो कितनी ख़ास है, कितनी अहम है और कितनी वसी है। और ये जो दोस्ती का सफ़र है पिछले 7 दहाइयों का, ये हर आने वाले साल के साथ मजबूत से मजबूत तर हो रहा है। और इसमें इसको वसत देने में, इसको परवान चढ़ाने में तमाम जो सरकारी अदारे हैं और जो दोनों मुल्कों के अवाम ने, उन सब ने उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। आज चीन हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, सरमायाकारी के हवाले से उसका एक बड़ा अहम रोल है हमारे मुल्क में, जिसकी सबसे बड़ी जो मिसाल है वो हमारा जो ये चाइना पाकिस्तान का इक्तिसादी राहदारी का प्रोजेक्ट है, CPAC है। इसमें आपको पाकिस्तान के जो माशी तरक्की है, समाजी जो तरक्की है, उसमें एक बहुत नुमाया किरदार अदा किया है। सड़कों का जाल बिछाया गया है, हमारी जो बिजली का एक बहरान था हमारे मुल्क में उसको ख़त्म किया गया है। अब जो सनत जो दूसरा मरहला है CPAC है, उसमें सनत के हवाले से, एग्रीकल्चर के हवाले से, ज़राअत के हवाले से और जो टेक्नोलॉजी और IT है उस उन एरियाज़ पे, उन शोबे पे बहुत फोकस है हमारा। और इससे ना सिर्फ बहुत सारी हज़ारों की तादाद में नई जॉब्स क्रिएट हुई हैं, जो हमारे पसमानदा इलाके थे उनमें भी तरक्की आई है, कनेक्टिविटी इम्प्रूव हुई है। और साथ साथ जो सनत जब लगेगी तो एक अहम चीज़ जो इसके हवाले से है कि हमारा जो फोकस है कि हम ऐसी सनत लगाएं इस पाकिस्तान और चाइना की शराकत करें जो को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो, जो हमारी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाए, ना सिर्फ हमारी जो कंजम्पशन जो लोकल डिमांड्स हैं उसको पूरा करें, बल्कि जो हमें एक्सपोर्ट सरप्लस बने और हम जो नज़दीक के इलाके हैं, ममालिक हैं और इवन चाइना जो कि बहुत बड़ी मार्केट है, उसको एक्सपोर्ट कर सके। तो ये बहुत ही एक अहम रिश्ता है, दोस्ती का, भाईचारे का, आहनी जो एक भाईचारा है हमारे मुल्कों का, उसकी मिसाल नहीं मिलती। स्पेशली जब मुश्किल हालात हुए हैं हमारे मुल्कों में, जब कुदरती आफात आती हैं तो हम दोनों एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। अभी हाल ही में पाकिस्तान में जब फ्लड्स आए थे तो चीन सबसे नुमाया था पाकिस्तान को मदद करने के लिए, और अभी जब हम रिकंस्ट्रक्शन की तरफ जा रहे हैं तो उसमें भी चीन की जो मदद है वो सबसे एक नुमाया हैसियत है उसकी। तो हम बड़े पूरे पाकिस्तान की जो आवाम है वो चीनी हुकूमत और अवाम की बहुत शुक्रगुजार है। तो आप भी मुझसे इत्तेफाक करेंगे कि हमारे बहुत सारे जो पाकिस्तान चीन की दोस्ती के जो कुछ के जो दुश्मन अनासर हैं वो ऐसा तासर देते रहते हैं कि बात गाय बगाए ऐसे प्रोपेगेंडा आता रहता है कि हमारे शैतान का में कोई कमी आ रही है। ये सरासर इसमें कोई वो नहीं है, सदाकत नहीं है, ये सरासर प्रोपेगेंडा है। और हमारी जो दोस्ती है वो हमेशा की तरह मजबूत है, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इसमें और बहुत सारी तेजी आएगी और मजबूती आएगी।